हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हाउ टू डाउनग्रेड एंड्रॉयड वर्जन 12 टू 11 इन मोटोरोला। तो गाइस, अगर आपके पास मोटोरोला का फ़ोन है गाइस, अगर आपका उसमें 12 वर्जन है, अगर आपको 12 वर्जन में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो गाइस अगर आप उसे डाउनग्रेड करके एंड्रॉयड 11 वर्जन में डाउनग्रेड करना चाहते हो, तो गाइस कैसे आप उसे डाउनग्रेड कर सकते हो, आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को एंड तक पूरा देखना, वीडियो के स्किप बिल्कुल भी मत करना। और गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपको ड्रॉइड फिक्स लैब ऐप में आ जाना है। ये ऐप की लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे ही गाइस आप ये ऐप में एंटर करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। गाइस यहाँ पर आपको फर्स्ट वर्जन अनइंस्टॉल करके शो हो रहा होगा। सिंपली से आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही गाइस आप उस पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा OS वर्जन एंड्रॉयड 12। तो गाइस ये ऐप जो है ये ऑटोमेटिकली फैच कर लेता है कि कौन से वर्जन का आपका यहाँ पर फ़ोन है। तो गाइस यहाँ पर 12 वर्जन सिलेक्टेड है ऑलरेडी। तो गाइस अब अभी से हमें 11 पे डाउनग्रेड करना है, तो हम इसे 11 पे सिलेक्ट करेंगे। गाइस अगर यहाँ पर ऑलरेडी आपका सिलेक्ट है तो आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं है तो सिलेक्ट करके आपको नीचे डाउनग्रेड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही गाइस आप यहाँ पर डाउनग्रेड वाले बटन पर क्लिक कर दोगे तो आपका जो डाउनग्रेड का जो प्रोसेस है गाइस यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। गाइस ये ऐप जो है ये ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके गाइस ये आपके वर्जन को जो है 12 वर्जन से 11 वर्जन में डाउनग्रेड कर देगा। एंड गाइस आपने यहाँ पर जो वर्जन सिलेक्ट किया है गाइस 11 वर्जन की जो रिक्वायर्ड फाइल रहेगी गाइस यहाँ पर डाउनलोड होगी। बस गाइस आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर वेट करना है। एंड गाइस आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर बिल्कुल भी, अगर आपका ये प्रोसेस चल रहा होगा तो गाइस आप यहाँ पर बैक नहीं कर सकते हो। अगर गाइस आप बैक कर दोगे तो आपको यहाँ पर फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से गाइस आपको स्टार्ट टू एंड करना पड़ेगा। एंड गाइस आपको एक चीज़ का और बता दूं गाइस, जब भी आप यहाँ पर अपना वर्जन अनइंस्टॉल कर रहे हो तो यहाँ पर आपको अपने फ़ोन के नेट को ऑन रखना है, क्योंकि ये जो सारा प्रोसेस है ऑनलाइन प्रोसेस है। एंड गाइस एक और एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको अपने फ़ोन की बैटरी परसेंट को 80% के अबाउट चार्ज कर लेना है, फिर जो है गाइस आपका यहाँ पर जो है प्रॉपरली जो है डाउनग्रेड कंप्लीट हो पाएगा। एंड गाइस काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है, क्या अगर हम हमारा वर्जन जो है अनइंस्टॉल करेंगे डाउनग्रेड करेंगे तो क्या हमारा फ़ोन पूरा रीस्टार्ट हो जाएगा, क्या हमारी सारी चीज़ें डिलीट हो जाएगी, क्या हमारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ डिलीट हो जाएंगे? नहीं गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। गाइस ये ऐप जो है ये सिंपली वे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके गाइस ये ऐप जो है आपका डाउनग्रेड का प्रोसेस कंप्लीट कर देगा। एंड गाइस आप देख सकते हो, जैसे ही आपका यहाँ पर डाउनग्रेड का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा डाउनग्रेड सक्सेसफुल, योर डिवाइस वर्जन डाउनग्रेड हैज़ बीन सक्सेसफुल। तो गाइस आपका जो वर्जन है यहाँ पर डाउनग्रेड हो चुका है। तो जैसे ही गाइस आप यहाँ पर ओके पे क्लिक करते हो तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो, आपका यहाँ पर ओके पे जैसे ही क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो आपका यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा OS वर्जन एंड्रॉयड 11। तो गाइस आप देख सकते हो आपका जो फ़ोन का वर्जन है यहाँ पर 11 वर्जन में जो है 12 वर्जन से 11 वर्जन में डाउनग्रेड हो चुका है। तो देख सकते हो गाइस कैसे यहाँ पर हमने हमारे वर्जन को जो है डाउनग्रेड किया है। एंड गाइस आपको एक चीज़ और बता दूँ गाइस, ये जो ड्रॉइड फिक्स लैब ऐप है, सबसे पहले तो आपको ये ऐप में आ जाना है। गाइस ये ऐप जो है ये पेड ऐप है, यानी अगर आपको ये ऐप यूज़ करना है, अगर ऐप को आपको कोई भी फीचर्स यूज़ करना है तो गाइस आपको यहाँ पर कॉइन रिचार्ज करना होगा। तो कॉइन कैसे रिचार्ज कर सकते हो गाइस वो भी बताऊंगा। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे फीचर्स हैं, जैसे वर्जन अनइंस्टॉल, फ़ोन अनलॉक, प्राइवेसी पास रिमूवर, UI इंस्टॉलर। तो गाइस इस तरह काफ़ी सारे फीचर्स है। तो यार सारे फीचर्स को यूज़ करने के लिए आपको कॉइन लगेगा। कॉइन परचेस करने के लिए सिंपली आपको ऊपर 3 लाइन पर क्लिक कर देना है। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको लास्ट में कॉइन रिचार्ज का ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही गाइस आप कॉइन रिचार्ज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो तो आप गाइस देख सकते हो मिनिमम आपको 10 कॉइन से लेके 100 कॉइन तक परचेस करने का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो गाइस आपको यहाँ से कॉइन परचेस कर लेना है गाइस, फिर जो है आपको वहाँ पर जो है जाके अपने वर्जन को जो है अनइंस्टॉल कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। एंड गाइस ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको जितना भी आपको कॉइन रिचार्ज लगेगा, कॉइन परचेस लगेगा गाइस, उतना ही कॉइन परचेस करना है,
फिर गाइस जो है वहाँ पर जाके जो है आपको अपना वर्जन जो है अनइंस्टॉल कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस देख सकते हो कैसे सिंपली से गाइस मैंने अपने फ़ोन से ही बिना किसी पीसी बिना किसी लैपटॉप के गाइस अपने फ़ोन से ही घर बैठे बैठे अपने वर्जन को जो है यहाँ पर 12 वर्जन से 11 वर्जन में डाउनलोड किया है। तो गाइस आप देख सकते हो कैसे मैंने अपने फ़ोन से ही डाउनलोड किया है। गाइस बस आपको कुछ नहीं करना है गाइस, जो स्टेप बताए गाइस आपको वो स्टेप फॉलो करना है, 100% गाइस आपका भी यहाँ पर डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कमेंट करें आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।